Hello student, welcome to my new video for 10th class subject chemistry, first chapter chemical reactions and equations, part 3. इससे पहले जो पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिस्कस किया गया था। थर्ड पार्ट के अंदर हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल मीन एक, एकल। डिस्प्लेसमेंट मीन विस्थापन, विस्थापन मीन जगह बदलना। जब एक चीज दूसरी की जगह बदले उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। माना कि कोई क्लासरूम है, इस क्लास के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच स्टूडेंट चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सभी की सभी चेयर्स फुल हैं। बाहर से एक जेड नाम का स्टूडेंट आया, वो पावरफुल था। आते ही उसने क्या किया, देखा कि कोई भी चेयर खाली नहीं है। उसने रूम में एंटर करते ही एक बच्चे को उठाया और एक तरफ कर दिया, आप उसकी चेयर के ऊपर बैठ गया। ये जेड यहाँ डी की चेयर के ऊपर बैठ गया और डी को जगह मिले ना मिले, जेड को इस बात से कोई मतलब नहीं, बस उसको जगह मिल गई, उसने जगह चेंज कर दी। आप डी की जगह पर बैठ गया, डी को जगह मिले या ना मिले। सेम चीज यहां पर होगी जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर गिराते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। जब हम ब्लू कलर के इस सॉल्यूशन के अंदर आयरन की कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं, कुछ समय के बाद आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि आयरन कॉपर की जगह बैठ जाएगा और फेरस सल्फेट बनाएगा, जिसका कलर ग्रीन होगा। और कॉपर सल्फेट से उतरकर बर्तन में या लोहे की वस्तु के ऊपर जम जाएगा, कॉपर का कलर ब्राउन होता है। तो इस रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन इन विच हाईली एक्टिव एलिमेंट। हाईली एक्टिव एलिमेंट मतलब ज्यादा क्रियाशील एलिमेंट टेक पोजीशन ऑफ लेस एक्टिव एलिमेंट। जो यहां पर दो एलिमेंट ने जगह चेंज की है, जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेगा वो ज्यादा एक्टिव होगा और जो दूसरा होगा वो लेस एक्टिव होगा, तो वो उसके कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ये कंपाउंड है, इसमें से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। दी रिएक्शन इन विच हाईली, हाईली मतलब ज्यादा, ज्यादा कौन है यहाँ पर आयरन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसके लिए हम एक सीरीज लिखते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से लेकर लेस रिएक्टिव एलिमेंट तक। हम एरो का मार्क नीचे की तरफ कर देते हैं, इसका मीनिंग है हाईली रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ ये जा रहा है। ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। हम इस एलिमेंट का नाम बताते हैं के। पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरे नंबर पर आता है सोडियम, तीसरे नंबर पर सी ए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, विच एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर, कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। यानी कि हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस लोअर एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ। जो अपने से नीचे है इस सीरीज में वो उसको, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम अपने से नीचे वाले सभी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम अपने से नीचे वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर सिल्वर की बात करें, क्या सिल्वर अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं,
लेकिन सिल्वर अपने से नीचे वालों को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस, नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं इस टॉपिक के ऊपर, व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे कि हम एक बर्तन लेते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर हमें जब खोलेंगे तो ध्यान होगा कि वो कैसा कलर आएगा, ब्लू। फिर हमें इसके अंदर क्या डालना है, आयरन नेल। इसके अंदर हम लोहे की कील डाल देते हैं, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे। मान लो ये आयरन नेल है, इसके अंदर प्लेस कर दी गई है सॉल्यूशन के अंदर। जब हम उस समय के बाद देखेंगे जो यहां पर सॉल्यूशन ब्लू था वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि जो नेल थी उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाएगी, कुछ ब्राउन पार्टिकल नीचे मिलेंगे और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एफ ई और किसकी बात है, कॉपर। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखें, एफ ई कॉपर से ऊपर पाया जाता है, एफ ई कॉपर से कहां पाया जाता है, ऊपर। इसका मीनिंग एफ ई कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एफ ई इज हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज देन कॉपर। जो एफ ई है कॉपर से ऊपर है, सो एफ ई विल डिस्प्लेस। इसलिए जो एफ ई है ये कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। फिर क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन विल फेड। ये ब्लू कलर गायब हो जाएगा, क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट के कारण था, ठीक है। अब यहां पर जो नई चीज बनी है वो क्या बन जाएगी, FeSO4, जिसके कारण सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ब्लू कलर फेड हो गया एंड बिकेम ग्रीन, और कैसा बन जाएगा, ग्रीन। कॉपर विल डिपॉजिट ऑन नेल, और जो कॉपर के ब्राउन लेयर है वो या तो नेल के ऊपर आ जाएगी या नीचे बैठ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्लू कलर था वो किसके कारण था, कॉपर सल्फेट के कारण, और ग्रीन कलर किसके कारण आया है, FeSO4। अगर पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इतना लिखेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कॉपर सल्फेट के कारण ब्लू कलर था और आयरन सल्फेट के कारण ग्रीन। अगर अब हम डिस्कस करते हैं कुछ विल रिएक्शन अक्कर, क्या ये रिएक्शन होगी, एजी क्या सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे क्या सिल्वर ऊपर से ऊपर है, नहीं, तो ये रिएक्शन क्या होगी या नहीं, ये आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे कॉपर क्या AgNO3 से रिएक्शन करेगा, आप देखेंगे अगर कॉपर ऊपर है तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, अगर नीचे है तो नहीं कर पाएगा। ZnFeSO4 के साथ क्या रिएक्शन करेगा, ये भी आप रिएक्टिविटी सीरीज से चेक करेंगे। Fe क्या ZnSO4 से रिएक्शन करेगा, ये भी आप रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक, मतलब पार्ट। अब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाए जाएंगे। थैंक यू।